यहाँ पर चल रही है ये देखो जी, क्या बात क्या बात क्या बात कितना मजा आ मेरी रहा, बात। कीड़ा सा बैटरी उठाते आए मेरा रुण झुणुआ कुथारी दो जनिया। यहाँ पर हमारी चल रही है तैयारी पिकनिक प्लानिंग की, मैगी की पार्टी चल रही है, जिसे कि तनीषा ने आज बोला कि चलो पिकनिक करके आते हैं, है ना। तनीषा का आइडिया है और हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो कोई चीज़ भूल ना जाए इसलिए इसलिए। इसकी लिस्ट बनाई जा रही है। हाँ जी, लिस्ट में लिख लेंगे सारा कुछ, फिर कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं। और नीचे जाएंगे हम हरियाली में, आज मैगी पका करके खाएं। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैं क्या थोड़ा अच्छा सा बन के चलते हैं, पार्टी हो रही है, मैगी पार्टी हो रही है। तनीषा ने इतनी शिद्दत से अरेंज किया है सब कुछ, तो अच्छे से बनाते हैं। और पतिदेव भी चले गए हैं मार्केट, मार्केट वो लेकर के आएंगे सारी सब्जी वब्जी जो जो भी मैगी में डलना है। लो जी, सब्जी वब्जी सब आ गई है, जो जो हमने मंगवाया था वो सारा कुछ सामान आ गया है, चेक मैंने कर लिया। और मैं क्या, चलते हैं अब इसको किचन में चॉप कर लेते हैं। अभी ना शाम का टाइम है, तो जैसे हम हरियाली में जाएंगे तो मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ किचन में ही सारी सब्जियों को चॉप करके लेके जाते हैं साथ में। तो बस अभी ये देखिए, पत्ता गोभी को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, शिमला मिर्च है, जिस तरह से मैगी मैगी नहीं सॉरी चाउमीन बनती है ना, जो जो उसमें डलता है वो सारा कुछ हम लेके जाएंगे अपने साथ। और साथ ही मैगी में हरे मटर अगर डल जाए तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा मैगी है, तो हरे मटर भी हम इसमें डालेंगे। और ये हरी मिर्च दो मैंने ले ली हैं, साथ में अदरक को ग्रेट कर लेंगे। सारी चीज़ों को फिर एक एक करके हमने इसीलिए सारी लिस्ट बना दी थी ताकि कुछ भी छूटे ना, फिर बाद में हम ढूंढने लगेंगे कि क्या कहाँ पे है। तो ये रही जी मैगी, और यहाँ पर फिर हमने सारा कुछ कढ़ाई में मैगी भी डाल दी, बाकी जो भी मसाले हैं वो सारा कुछ इकट्ठे ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये थोड़े से मैं क्या, स्पाइसी होनी चाहिए, तो लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा मिक्स वाला मसाला ले लिया है क्योंकि हम सब्जियां एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ये काली मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी, साथ ही नमक भी सब्जियों के लिए, बाकी मैगी के लिए तो मैगी मसाला में होता ही है। बाय, चलो हम भी आते हैं। मैगी पार्टी करने जा रहे हैं। अबे ये क्या है, क्या भर दिया वो? कढ़ाइया कढ़ाइया सब ले लिया हमने, तो हम मैगी पार्टी करने जा रहे हैं। चलो हरियाली में तो कुकिंग करके आते हैं। अरे कांटे भी डाल दिए इसमें पिकनिक। तो ये लेके आ गया। अरे मिट्टू, अरे इतने में मैंने मना किया है, और मिट्टी के साथ खेलने के लिए। अच्छा चलो अब चलो, चलो भाई चलो चलो, आप ही चल पड़ो। अरे हम नहीं जाते, बाद में आएंगे खाने के वक्त। नहीं नहीं आज थोड़ा आग उग जलाने के लिए हमारी हेल्प कर देना। हाँ। इतनी सा है, सानवी है, मिट्टू है। ये क्या फर्क है, क्या पता कहीं भाई टूट फूट ना जाए ना, अंदर तक क्या लगता है, क्या पता होता है। चलो पीछे रास्ता खराब निकला, इसलिए हम जा नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं। तो वही मैगी पार्टी का प्लान हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे उसको अपने इसी किचन गार्डन में, क्योंकि इसकी भी वैसे भी सफाई करनी पड़नी है, तो उस हिसाब से फिर अभी इसको फिर क्लीन भी कर देंगे। और देखते हैं एक बढ़िया सी जगह जहाँ पे हमारे ये पेड़ पेड़ वेड़ ना होंगे, वहाँ पे लगाते हैं। ये कितना प्यारा फूल खिल गया रे मेरे गुलाब में। मिट्टू पिछरो मिट्टू, गुलाब बेटा इसमें कांटे भी होते हैं। पुदीना भी लग गया है, क्यों भाई? शानवी शानवी उधर न जाओ, उधर न जाओ शानवी, अभी शाम का टाइम है, आजा आजा जल्दी कर। तो भाई घर से दूर जाने का प्लान तो हो गया कैंसिल, पहले हमने सोचा था कि नीचे खेत वेत जहाँ जंगल जैसा आपको दिखाई देता है ना, वहाँ पे जा करके बनाएंगे, लेकिन रास्ते ख़राब की वजह से फिर हमने सोचा चलो यहीं पे। तो मैं चली गई फिर ऊपर से मैट लेकर के आई, मैं क्या आराम से बैठते हैं तसल्ली से सारे, ये चीज़ मिसिंग थी, मतलब वहाँ के लिए भी हम भूल गए थे कि मैट भी ले जानी चाहिए, ऐसे हम बैठे बैठते कहाँ। तो चलिए जो होता है वाला अच्छे के लिए ही होता है, तो मैट मैं लेकर के आई, वो बिछाई। मैं क्या अभी दो ईंटें लेकर के आते हैं और चूल्हा हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दो ईंटें लगा दी,
एक पीछे लगा दूंगी। मिट्टू बेचारा मेरी हेल्प कर देता है, कभी भी कोई भी काम होना जो इससे पॉसिबल हो पाता है फटाफट से करने लग जाता है। ये आदत मुझे इसकी बहुत पसंद है, कभी भी कहीं पर भी मुझे देखता है ना कोई भी काम करता हुआ तो आ जाता है पीछे पीछे। फिर लकड़ियाँ भी यहीं पे हैं पास में, मतलब यहाँ पर तो सारी चीज़ें पास में ही हैं, ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नीचे हमें खोजना भी पड़ता है इधर उधर। खैर अभी तो गर्मियों का ही मौसम है तो मिल जाती है लकड़ियाँ भी आराम से। तो लो जी, लकड़ी का प्रबंध भी हो गया, चूल्हा भी बन गया हमारा और अब जलाएंगे हम इसमें आग। तो थोड़े से गत्ते वत्ते लेकर के आए हम, जो ऊपर से टाइलों के गत्ते काफ़ी पड़े रहते हैं वहाँ से थोड़े से, और बाकी एक दो कागज़ की हेल्प से जल्दी से जल जाएगी आग। लीजिए जी, आग हमारी जल गई और अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का। मतलब कितना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पर भी, और हमने सोचा ही नहीं था कि क्यारी में भी एक काम पॉसिबल हो सकता लाइव, है। ये ऊपर से लाइव शो देख रहे हैं और आ आग जाओ आ जाओ, तुम सभी आ जाओ आ जाओ, इस पे तो सब तो मना रहा है ना, इधर तो मना रहा है, आओ जी आओ आओ आ जाओ सारे आ जाओ, सब फ्रेंड के सामने बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। शानू को मूर्ख बना दिया इसका, नहीं पी जाइए, काम हो गई है अभी तो, लोग घर खेल कूद के घर जाएंगे। चलो भैया कराओ, मेरी हेल्प कराओ फटाफट, शानू ऑयल देगी। देखो कितना बड़ा कैरी को ने पिकनिक स्पॉट बना दिया, शाबाश, दिल गार्डन गार्डन हो गया आज, गार्डन गार्डन। और ये सबसे पहले सरसों का पी मार का ऑयल डाल दिया है मैगी बनाने के लिए, स्पेशल मैगी बनाई जाएगी तनिषा सानवी और मिट्टू के लिए। और बनाने वाली है वंदना और खाने वाले हैं हम नहीं ये सब भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, सुनिए पूरी हेल्प करवा रहे हैं। बस ये मिट्टू ने गुब्बारा, आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप खाने की हेल्प करेंगे शायद, देखते हैं खाने खाने की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। जब तक मैं लकड़ी ढूंढ के लाता हूँ पहली तरफ, ऐसी पतली पतली लेके आना, तो बाकी ऐसी तो है ना बहुत है, ऐसी पतली। लकड़ियाँ बड़ी मुश्किल से लेके आया मैं जंगल से, जंगल से ये तनी साहब। तो अभी हम बस कड़छी हिलाते चलेंगे, हम यहाँ से हमारा काम यहाँ आग का प्रॉपर ध्यान रखना, और बाकी तनी साहब वहाँ से छेड़े देगी ना, ये लीची भी सब ठीक है। क्या क्या वैसे बना कह रहे हो, मुझे पता होना चाहिए ना। हम मैगी बना रहे हैं, सारी चीजें कटिंग करके शॉपिंग करके ले आए हैं। ये ले तनिषा, ये तू इस खा जा, बस तीन ले रहे हो, खा जा, ध्यान रखना। ये हमारे मसाले हैं और ये हमारा प्याज और सब कुछ है, इसको हम धीरे धीरे, ए आई आवाज तड़के वाली, मिट्ठू पीछे बैठो, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, वाह जी वाह क्या बात है, आज आज पार्टी हो गई। तनिषा बोल रही थी बोले पार्टी करानी है, हाँ। मैं क्या चलो कोई नहीं आज पार्टी कर देते हैं घर में, मैगी पार्टी है ना, वो भी किचन गार्डन में बैठ के इस टाइम ठंडी ठंडी सी हवा का आनंद लेते हुए साथ में मैगी खाते हुए, वाह भाई वाह, मजा ही कुछ और है, इसको यूनिक होना चाहिए वाला, ठीक है इससे यूनिक और क्या हो सकता है ना, ब्लॉग्स में वही मिट्टू धुआं लग रही है, यहाँ से हट जाओ, इधर आ जाओ बेटे, ये पीछे ब्लॉग में कुछ चेंजेस लाओ, थोड़ा सा भी घर की कहानी देख देख के, अभी घर की कंस्ट्रक्शन चली हुई है ना, तो उस वजह से भाई कुछ लोग बोर हो रहे थे, मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं, तो ये सब आपके लिए किया है, तो अभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।
हल्दी मटर कच्चे होने हैं, उनको चलने देना थोड़ी देर। अभी ना सनसेट हुए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब अंधेरा होने ही वाला है। और जैसा आपने सुना अभी कोयल की आवाज़ और एनवायरनमेंट एकदम कूल कूल ना, बड़ा मज़ा आ रहा है, सच बात बताऊँ आपको। और शान भी ढूंढ रही, बोला कोयल कहाँ है मम्मा, मैं क्या हो नहीं मिलती अभी सिर्फ आवाज़ सुन के ही मज़े ले तू भी। और यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो अच्छे से कुक हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाई, जैसे कि चाउमीन मैगी में हम लोग डालते हैं उतनी सी, हल्की हल्की सी ही अच्छी लगती है। तो उतने अच्छे से पका करके अभी इसको हमने इस प्लेट में निकाल दिया, और फिर इसमें हम लोग पानी डाल करके पहले मैगी को पका लेंगे। तो सब लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर बैठ करके, मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गया, डेली लाइफ जैसी है हमारी ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं कि भई मतलब देखो ना आप कितने प्यार से बैठे हुए हैं शानू मिट्टू शानू को झटपट चखने की पड़ी हुई है झट से जैसे कि किसी को पता नहीं चल रहा है, अभी मैंने भी कैमरा में ही देखा ये आराम से देख रही है कि कैसे टेस्टी बनी कि नहीं बनी। तो बस अभी मैंने पानी डाल दिया पहले इसमें कढ़ाई में, फिर तीन मैगी लेकर के आए थे हम लोग, हमारे लिए काफ़ी है, तो ये भी डाल दिया, अच्छे से कुक होने देंगे। और ये देखिए जी मैगी पक रही है। मंडी तो नहीं कांगड़े ते आया मेरा रुण जुड़ुआ मंडी री दो जनिया मंडी ते आया मेरा। और ये डल रहा है मैगी में मैगी मसाला, सब अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैगी को देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये डल रहा है वेजिटेबल्स, मैं आपको थोड़ा सा लाइट चला के ये देख सकते, पर इसमें ना थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है ढंग से। मेरे मुंह में तो भाई पानी आ गया ना, मेरे से ही रुका जा रहा है। चलो तो आप भी खा लो मैगी, और अब हम भी मैगी खाते हैं। चलो दो शान भी। सब बैठ जाओ आप भी वहां पे, किसको देना? जादूगर। कौन है जादूगर? पांच आदमी है, पांच प्लेट है। जो बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा देना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं वो, और सबसे जो बड़े हैं उनको बड़ा चीजें देनी। नहीं हमें ज़्यादा। मिट्टू का डायलॉग, बच्चे को थोड़ा सा और दे दो, बच्चा है इसको बस बच्चा बच्चा बोल के ना हमेशा ही थोड़ा और करता रहता है। हाँ जी हाँ जी, कैसा टेस्ट आ रहा है? बिल्कुल चाउमीन की तरह। चाउमीन ना थोड़ी मोटी मोटी होती है उसकी नूडल्स, और वो मैदी की होती है और ज्यादा अच्छी नहीं होती, और मैगी थोड़ी ठीक होती है। तो यहाँ पर चल रही है ये देखो जी, क्या बात क्या बात क्या बात, मैगी पार्टी। तो नहीं सब कुछ खाए इधर हूँ। कैसी बनी है भाई मैगी? बिल्कुल अल्टीमेट नंबर वन। तड़का लगा, पंजाबी तड़का लग गया। ठीक है, कितना मजा आ रहा है, कीड़ा सा बैठ रहे सारे। और यहीं पे हमारी पार्टी होती है फिनिश। ये
कर दो सब पैक। गरम गरम अंधेरा है बहुत। चलो चलो अब चलो ऊपर।